गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक शर्मा। एक नया सलाहकार जिसको हम कह सकते हो कि ये ChatGPT क्या ये कैसे काम करता है थोड़ा सोचता हूँ। एक मिनट, मेरे दोस्त वोल्टेश कुमार को बुलाता हूँ। वोल्टेश कुमार जी, मैं आ गया। आ गया मैं। सुना आरटी का खंड? अरे ये नहीं, पहले सुनो कि ये जो नया समस्या है ना, ये जो ChatGPT है ना, आखिर ये है क्या? ये वो है कि ये सलाहकार की कलाकारी, सलाह देने वाले लोग अगर आपके पास मतलब नहीं है ना, सलाहकार की कलाकारी। हाँ ऐसा है ना। हाँ ये मुझे पता है। बोलो। इसका जो ChatGPT का जो ये अभी ट्रेंड बन रहा है ना, इसका काम क्या है, ये कार्य कैसा करता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम पहले बीटेक शर्मा था, अभी टेक शर्मा हो गया है। इन दोनों में से कौन सा नाम आपको बेहतर लगता है, मेरे चैनल में कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट डाला हूँ, कृपया करके आप उसमें इसमें वोट दीजिएगा कि आपको कौन सा नाम पसंद है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सलाहकार का जरूरत पड़ता है कि एग्जांपल फॉर मान लीजिए कि आपके चेहरे पे पिंपल हुआ है, तो हम गूगल में देखते हैं कि पिंपल का क्यूर कैसे करें, तो बहुत सारे सलाहकार उसमें आता है कि तुम आलू लगाओ, तुम ये लगाओ, तुम चूना लगाओ, या फिर जो भी करो, मतलब बहुत सारा यहाँ पे सलाहकार आता है। तो हम इस एप्लीकेशन के मदद से हम सलाह ले सकते हैं कि हमको ज़िंदगी में करना क्या होगा, क्या कौन सा फैसला हमको लेना है। और ये जो AI है ना, ये AI अभी तो फिलहाल के लिए हमारे खुद का फ़ायदे के लिए ये हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये AI से बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। क्योंकि जब ये AI रोबोट से हमने यहाँ पे एक रिसर्च में पूछा गया था कि व्हाट वॉज द बेस्ट एनिमी फॉर यू, उसका रिप्लाई आया ह्यूमन। अभी उसने रिप्लाई दिया ह्यूमन। तो AI बोट इन फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता है। अगर बात में सहमत हो तो वीडियो को कर दीजिए एक बार लाइक। तो जैसे कि ChatGPT की मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या दिखाऊँगा। हाँ, गूगल में मैं दिखाऊँगा कि जब आप ChatGPT इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे कि ChatGPT एस्ट्रोलॉजी GPT समथिंग, ये जो पहला चैट बॉट आता है ना, मैं दिखाना चाहता हूँ। इसको पहले इंस्टॉल हो लेने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टॉल अभी हो रहा है। आपके सामने मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ कि ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा मांग रहा है। AI साहब, ओके साउंड्स गुड, ओके 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 ओ तेरी की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका प्राइस है, वीकली है 790 रुपये, मंथली है 1500 रुपये, ईयरली है 4200 रुपये। यहाँ पे अभी हम इसको फ्री मैसेज दिस वीक फॉर हाय हेलो हाय कैन एसेस फॉर टुडे। ये इसमें कोई वॉइस भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। एक मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा जो मैंने यूज़ किया, आपको वो इस्तेमाल मैं करने नहीं दूंगा। उसका नाम है ChatAI। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये मैंने एप्लीकेशन किया मूड ऐप से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि URA प्रीमियम, ये जो ऐप्स है ना, ये है ChatGPT का ऐप्स। तो यहाँ पे मैं सलाह ले सकता हूँ। अभी क्या सलाह लूँ? हाँ सलाह, हाँ पहले ही वही सलाह लेता हूँ कि पिंपल्स को कैसे ठीक करें। ओके पिंपल को कैसे ठीक करें, क्या जवाब आता है? देखता है। One, cleanse your face regularly. Keeping your face clean by washing it with a gentle face wash twice a day can help prevent pimples from forming. 2, avoid touching your face. Touching your face with unclean hands can spread bacteria that can cause pimples. 3, use non-comedogenic products. Products that are non-comedogenic will not clog your pores and cause pimples. 4. Apply benzoyl peroxide or salicylic acid. These ingredients can help reduce inflammation and kill bacteria that cause pimples. 5. Don't pop pimples. Popping pimples can lead to scarring and further infection.
6. Use a spot treatment. Applying a spot treatment with ingredients such as tea tree oil or witch hazel can help reduce inflammation and kill bacteria. 7. Maintain a healthy diet. Eating a diet high in fruits, vegetables, and whole grains can help promote healthy skin. 8. Stay hydrated. Drinking enough water can help flush toxins out of your body and promote healthy skin. 9. Consult a dermatologist. If your pimples are severe or persistent, a dermatologist can offer professional guidance on how to treat them effectively. तो ऐसे काम करता है सार जीटीपी। अगर आपका कुछ सलाह चाहिए तो सलाह यहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। क्या ये मुझे पहचान लेगा, देखते हैं। बीटेक शर्मा टेक यूट्यूबर, देखते हैं। However, I can provide information about BTech Sharma Tech. BTech Sharma Tech is a YouTube channel that focuses on providing tech-related content to its subscribers. The channel covers a range of topics, including smartphone reviews, gadget unboxings, software tutorials, and more. The channel has over 740,000 subscribers and continues to grow in popularity. अबे मेरा चैनल इतना सब्सक्राइबर हुआ ही नहीं है भाई, कहाँ 740,000 सब्सक्राइबर बता रहे हो। मतलब ये जो AI है ना, ये देख सकते हो कि मेरा चैनल में यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पास 2,740,000 सब्सक्राइबर है। अरे मेरे चैनल में तो 2,200 सब्सक्राइबर है। अगर आप लोग इस गरीब को अगर कुछ देना चाहते हो तो सब्सक्राइब बढ़ा दो। लेकिन ये 7 GTP का इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन होता है, एक्यूरेसी लेवल अभी भी फिलहाल के लिए इतना ठीक नहीं है। ये तो अच्छा है कि ये मुझे पहचान लिया, मेरे चैनल को इसने पहचान लिया, ये तो बहुत बड़ा खुशी लगा। फिर से पूछता है, विवेक शर्मा यूट्यूबर टैग इन इंडिया। अभी देखते हैं क्या जवाब आता है मेरे बारे में। मेरे बारे में अभी अच्छे से बताना। अच्छा, इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा मैं देता हूँ, रुको। अब देखते हैं क्या जवाब देता है। Of the channel, BTech Sharma, provides detailed and informative content about various gadgets and software. The videos are in the Hindi language and are easy to understand even for those who are not very tech savvy. The channel's content is well researched and presented in an engaging manner, making it an excellent channel to stay updated on the latest happenings in the tech world. Overall, BTech Sharma is a great YouTube channel for those interested in technology and looking for detailed and easy to understand content in Hindi. ये सही है, मतलब एक्यूरेसी लेवल 99% ही है। मतलब क्या है कि ये साथ बहुत आपके आपका जो सही है ना, वो आपको बता देता है कि आपको क्या सलाह लेना सही है। ये तो सलाह हो गया। कुछ हेल्थ रिलेटेड जो कॉमन है वो मैं सर्च करना सोचता हूँ कि हाँ, व्हाट इज आई एम प्रॉब्लम इन पीस प्रॉब्लम इन गैस्ट्रिक। देखते हैं। अबे मुझे बहुत गैस हुआ है। Can you please provide more information about your problem with gastric? It will help me to assist you better. Undizing. अरे इतना इंग्लिश मुझे आता नहीं है यार। अरे हमको तो गैस हुआ है इसमें हमको। ओके। I have गैस। हमको तो यही पता है, उसके बारे में पता नहीं। I'm sorry, but I need more context to understand what you mean by Jess. Can you please provide more information? हिंदी में बताता है कि हिंदी में मुझे खाना ठीक से पचता नहीं है। भी देखते हैं। I'm sorry, as an AI language model, I cannot provide food. However, I have problem in my back pain. नेक पेन आ गया, देखते हैं। नेक पेन ही डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। आई हैव प्रॉब्लम इन माई नेक पेन, देखते हैं। As an AI language model, I cannot provide medical advice or diagnoses. It is best to consult with a healthcare professional for proper evaluation and treatment for your neck pain. They can assess the underlying cause of your pain and provide specific recommendations tailored to your situation. सलाह तो सही दिया है कि तुम अगर तुम्हारा गले में दर्द हो या फिर वो है, तो अब क्या लिखे यार।
अरे ऐसा एवा है जो मैंने ये मोड एप्स की जो 4200 जो इसको ऑफ कर लेता है एक मिनट। जो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन यूज़ करते अगर मैं चाहता हूँ तो मुझसे मांगेगा 4200 रुपये ईयरली, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई साहब। ये मैंने जो एप्लीकेशन यूज़ किया है, इसका ये ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन है, लेकिन ये एक मोड एप्लीकेशन है। तो ऐसा एप्लीकेशन आपको इस्तेमाल करना नहीं चाहिए जो कि प्ले स्टोर से बाहर से है, क्योंकि ये एप्लीकेशन को मुझे यूज़ करने में मुझे सारा परमिशन इस मोबाइल का देना पड़ा। मैं कहाँ पे हूँ, मेरे बैंक अकाउंट से क्या मैसेज आता है, मेरे मोबाइल में क्या फोटो है, मेरे मोबाइल में क्या है क्या नहीं भी है, सारा जो सारा जो एसेस होता है ना, इस एप्स का ओनर के पास चला जाता है, क्योंकि प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन स्कैन होने के बाद वहाँ पे अपलोड होता है, मतलब प्ले स्टोर में जब जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं उसमें प्रोटेक्ट रहता है। ऐसा वाहिया जो एप्स होता है ना, वो आप लोग कृपया करके इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये जो मेरा मोबाइल है ना, इसमें सिर्फ मैं यूट्यूब कॉन्टेंट का एप्स रिव्यू देता हूँ, दूसरा यहाँ पर मैं बैंकिंग एप्लीकेशन तो यहाँ पर है लेकिन मैं इस्तेमाल करता नहीं हूँ। इसमें ये मोबाइल में अगर लंका लग गया ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल अगर लंका लग गया, ज़्यादातर यूट्यूबर कहता है कि तुम ये एप्लीकेशन यूज़ करो, वो करो, ये करो, ये करो, ये करो, आप लोग कर लेते हो, फिर लंका आपको लगता है ना, लगता है ना। लेकिन 740K सब्सक्राइबर यार, होता तो बहुत खुश हो जाता है यार, हुआ नहीं। फिर भी अगर ऐसा कंटेंट आपको देखना पसंद करते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते लीजिए। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।